ठीक है। सो आप सब लोग होपफुल आप सब अच्छे होंगे। और अब हम जा रहे हैं अपनी नंद के यहाँ, सिस्टर इन लॉ के यहाँ, बच्चों की बुआ के यहाँ पे। मी सिस्टर है वो, ये उनको सिस्टर बोलता है क्योंकि वो बच्ची सी लगती है, मुझे मतलब स्पार्ट अभी कर ऐसा सकती लगता है है। कि इनकी मैरिज भी नहीं हुई है। तो कुकू बोलता है कि मेरी बहन, उनको अम्मी बुआ ना बोल ज्यादा के वर्षा वर्षा और मेरी बहन बहन बोलता है। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे, और मैंने वियर किया है ये सूट मजेंटा कलर, जो कि मुझे बहुत प्यारा कलर लगता है, और इस कलर की मैं साड़ी भी लेना चाहूँगी। और आज मैंने दिए अपने बहुत सारे सूट सिलने के लिए, वो मैं दिखा नहीं पाई, सॉरी, बट वो सिल कर आ जाएंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने कौन सा गला, मतलब कैसे बनवाया है गले का डिज़ाइन और ब्लाउज़ और सूट का। और ये देखो मेंटल, ये क्या हरकतें करता रहता है, ये मेरी सारी वीडियो बिगाड़ देता है ऐसी ऐसी हरकतें करके, बट हाँ डांस अच्छा करता है। तो आप लोग, एक वीडियो मैंने इसकी डाली है, तो आप लाइक ये लोग सब्सक्राइब प्लीज़, कीजिए। मैंने भी एक इसमें ये चूड़ी, क्योंकि इस कलर की इसमें मेटल में कोई चूड़ी नहीं मिली मुझे बैंगल्स, तो मैंने ये पर्पल कलर की है। और यहाँ पे ये मैंने वियर किया है, ये मुझे मेरी नंदनी दिया है, सिस्टर इन लॉ ने। कब दिया था, शायद जैतून रक्षाबंधन पे, नहीं रक्षाबंधन पे लेकर आई थी, तो दी ऐसे ही कड़े, या हमारे लिए रक्षाबंधन पे या तो कड़े लेकर आती हैं या फिर इस टाइप के कोई ब्रेसलेट वगैरह, मतलब तो जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके। उन्होंने अभी तक जितने भी हमें दिए हैं ना कड़े वगैरह रक्षाबंधन पे, तो वो सभी बहुत प्यारे हैं, मैं हमेशा उनको वेयर करती हूँ। और ये देखिए मैंने नेल पेंट लगाया है यही मैचिंग का, बट मेरा जो पुराना नेल पेंट था ना इसके अंदर ब्लैक कलर का, वो ऐसे का ऐसा ही है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। एक्चुअली मुझे नेल पेंट का शौक नहीं है बिल्कुल भी, और मुझे बहुत आलस आता है नेल पेंट हटाने में और लगाने में, तो इसलिए मैंने इसी के ही ऊपर लगा लिया। ये देखिए कोई बात नहीं, कौन इतना ये तो डिज़ाइन भी लग रहा है ना, नहीं लग रहा बट कोई बात नहीं। और टाइम पता है कितना हो गया, टाइम हो गया है 9:30। आप लोग भी ये बोलोगे कि इतनी लेट कोई जाता है क्या, बट हम इतनी लेट ही जाते हैं जब भी जाते हैं कहीं पे, बहुत लेट हुए हैं हम, बहुत लेट लेट जाते हैं। तो कहीं फंक्शन में या मतलब मामा जी के यहाँ पे, इनके मामा जी के यहाँ पे या वर्षा दीदी के यहाँ पे, तो जब भी हम जाते हैं तो बहुत लेट जाते हैं, हम जल्दी कभी गए नहीं। तो वो भी बेचारे, उनको सबको पता है कि ये लेट ही आएंगे, तो वो भी लेट ही करते हैं अपना। तो इसलिए हस्बैंड जी गए हैं बाहर, अभी कह रहे हैं मैं 10 मिनट में आया, बट अभी तक नहीं आए हैं। और आज है मैक्सू का बर्थडे, बट आज कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि मैं बाहर चली गई थी आज 13वीं में, और मैक्सू को मैंने सुबह नहला दिया था इसी वजह से। और मैंने ये पनीर, हाँ ये मैक्स के लिए पनीर लेने गए हैं भाई, आज मैक्सू पनीर खाएगा क्योंकि केक वगैरह ठीक नहीं होता इनके लिए, और इसलिए पनीर मैक्स का फेवरेट है और हेल्दी भी है मैक्स के लिए। और मैक्स आज ऐसी हरकतें कर रहा है, ये पता नहीं उसको ये लगा कि ये तैयार हो रहे हैं तो मैं भी जाऊँगा, पर अब लेट गया है वो। तो देखो ये कैसे लेटा हुआ है, ये सब जानता है मैक्सू, सब जानता है ना, मैक्सू को हैप्पी बर्थडे जरूर विश करना कमेंट में, जो भी मैक्स को प्यार करता है, जो भी मैक्स को पसंद करता है, तो उसकी वीडियोस वगैरह देखी हो और उसको पसंद करता है, तो उसको प्लीज़ हैप्पी बर्थडे जरूर विश करना, बहुत प्यारा है मेरा मैक्सू, आज 1 साल का हो गया। तो आज मैक्स का बर्थडे हम बनाएंगे, उसका मैं थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगी, तो आप आ गया भाई, मैक्स के लिए पनीर आ गया भाई, रात को बाद में खिलाएंगे, अभी नहीं नाम खिला दो बेटा, मैं खाया अभी पनीर, मिक्स कर दो दुख दे, मिक्स कर दो पनीर, अभी दे रोटी खा लेना, अभी दे मैं बच्चा कुकु। अब यहाँ पे हम करते हैं सीधा दी के घर पे एंट्री, और वो लगी हुई थी काम पे, खाना बना रही थी, और हम सब जाके जैसे ही हमने एंट्री की तो वहाँ पे रखी थी गुजिया, मम्मी वगैरह सब मम्मी बैठी हैं, और पहले हम पहुँच गए थे, बाद में फिर भाई साहब की कार आई थी, और यहाँ पे फिर गुजिया जो रखी थी और ये खा रहे थे गुजिया, और मैंने इनसे बोला कि आते ही लग गए आप मीठा खाने में, तो कहने लगे कि नहीं थोड़ी सी खा रहा हूँ और मुझको भी देने लगे, मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं खा रही हूँ। फिर वहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया डायरेक्ट, क्योंकि नाश्ते का टाइम नहीं था, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, और इस वजह से फिर हमने खाना खाया और थोड़ी बहुत बातें की, फिर हम वापस आ गए थे घर पे। और यहाँ पे हमें मिली थी छोटी सी क्यूट सी पपी जिसका नाम था जिनी, और
उनको बताया वो कि इसके जो मालिक हैं वो एक्सपायर हो गए थे, तो उन्होंने किसी और ने मतलब अडॉप्ट किया था इसको, और वो सबकी गोदी में इतनी प्यार से आ रही थी, सब इसको गोदी में ले रहे थे, तो ऐसे बैठी थी चुप और देखते से भागी एकदम से। और फिर हम जा रहे थे मंगरोला पे लाली बाबा जी के यहाँ पे नेक्स्ट डे होली पे, और यहाँ पे हम मतलब हर होली और दिवाली पे जाते हैं, तो बेरी वाले बाबा जी की बहुत मानता है, मतलब बहुत मानतम है और बहुत अच्छे हैं, मतलब उनके हम हर बार जाते हैं और वो दर्शन करके आते हैं। और फिर रास्ते में जब होली का बनी हुई थी, क्योंकि होली वाला दिन था तो होली का दहन होनी थी, और यहाँ पे पहुँच गए हैं हम बेरी वाले बाबा के यहाँ पे मंदिर में। और यहाँ पे बेरी वाले बाबा ने बेर के पेड़ के नीचे तपस्या की थी, ये हैं वो बाबा जी, उनका उनकी मूर्ति है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे जोत वगैरह करके हमने फिर यहीं से ही गेहूं के बाल लिए थे, क्योंकि गेहूं के बाल जलाए जाते हैं ना होली पे, तो हम खेत भी हमारा बट हमने यहीं से मंदिर से ले लिए थे, सब वहीं से ले रहे थे। चुप जाएंगे, चुप रहे, एकदम से उखाड़ लिए थी, ऐसे तोड़ रही थी और मैंने उखाड़ लिए, तो कहने लगी आपने तो बहुत जल्दी काम किया, मतलब एकदम उखाड़ लिए, तो यह हंसी मजाक चल रहा था। और आगे पूजा आ गए थे नहीं जड़ से उखाड़ा है ना, तो आ जाओ चल, मैं बदतमीज जड़ से तो उखाड़ा है, आ जाओ इसमें हाँ के दीदी, मतलब सारे उठा उठा के उखाड़ के लाओगे, ये चार है, ये इधर आ जाओ, इधर भागना कुकु किट्टू, इधर आ जाओ, इधर चलो बस चलो डाल दे सगाई जाओ गाइस, यहां पे जाएंगे पास BMW का वाला था X7 का Z4 है, बट इन पे खेलना नहीं आ रहा किसी पे ना, ते पापा जाके मारते हैं छक्का, जाओ जाओ मेरे विराट कोहली बोल रहा हूं। मम्मी बड़ा बिगड़ा है बच्चा, मम्मी मैं क्या सैंड की मैं बताओ कोई क्या बोल दी बेटा, जा तुम भी जाओ, हो गई अभी चलो जाओ बाल ले, हां सैंड लेने वाले हैं, लड्डू को भी दे, तीन तीन सैंड लगा ले, लगा ही नहीं दे दे ना, ओ भैया भैया क्या बोल रहा है, लाओ दे सब ले लो ना थोड़े थोड़े, तो पिट्टू को भी दे, अरे एक नहीं बहुत सारे दे दे, आ जाओ बेटा आ जाओ, और जूते निकाल, यो भाई पिट्टू को भी दे दो, दो दे फिर याद जब रखूंगा, दो दे दे, और क्या कभी नहीं भूल पाएगा, अब उसने दाने नहीं है दाना, नहीं जलाते नहीं, रुक जा रुक जा, जैसे देख आंटी जी कर रही है ना, नहीं उसको लेके उसको थोड़ा सा जला के और फिर वापस ले लेते हैं। इतनी ऊंची देखो ऊपर, देखो ऊपर तक पूरा, चलो परिक्रमा लगाएंगे यहाँ ना, चिंगारी भी उठ जाती है, हाँ पीछे किट्टू हंस कहाँ है, कैसे हो इस साइड उधर ज्यादा थोड़ा दूर दूर, अरे
मैं जा रहा हूं ना। नहीं चल रहे हैं भैया लड्डू को। और फिर यहाँ पे होली वाले दिन, रंग वाले दिन, हम सब जैसे खेल के रंग, और फिर शाम को 6 बजे के आसपास डांस किया करने लगे थे क्योंकि बहुत थक गए थे। तो खेलने के बाद फिर हम नहा के सो गए थे, 1-2 घंटा सभी लेट गए थे। और फिर बाद में डांस किया सबने, और किट्टू ने, पापा ने, माजी ने, सब ने बहुत अच्छे से डांस किया। सच में इन्होंने, मतलब मम्मी का भी बहुत मन था, बट ये उनके थोड़ा दर्द होने लगा था तो उन्होंने ज़्यादा नहीं किया। और फिर यहाँ पे मैक्स के साथ चल रही थी मेरी मस्ती, मैं खा रही थी चोकोपाई और मैक्स ऐसे देख रहा था कि बस जैसे तैसे मेरे मुंह में आ जाइए। और इसने बहुत अच्छा कैच किया था, मतलब वो ये है कि मस्ती चल रही थी मैक्स के साथ, बहुत क्यूट लग रहा था ये। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं बस यहीं पे समाप्त करती हूँ व्लॉग को, और इसी के साथ ही गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।